नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रदीप जैन हत्याकांड में माफिया डॉन अबू सलेम को उम्र कैद। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम को वर्ष 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सलेम के ड्राइवर मेहंदी हसन को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी वीरेंद्र झाम्ब की सजा का निपटान मामले की जाँच के दौरान उसके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर कर दिया गया। 86 वर्षीय झाम्ब को जैन की हत्या के संदर्भ में वर्ष 2005 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसने 9 माह जेल में बिताए थे। मध्य प्रदेश में अब महंगा हुआ मकान बनाना। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बताते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2015-16 का 5587 करोड़ रुपए के राजस्व आधिक्य का बजट पेश किया। करीब 40 वस्तुओं पर वैट कम किया गया है। वहीं रेत और गिट्टी पर लगने वाला वैट अब 20 रुपए प्रति घन फीट से 35 रुपए घन फीट कर दिया गया है। इससे मकान बनाने में आने वाली लागत बढ़ जाएगी। तंबाकू उत्पाद, सीएनजी, कॉटन सीड ऑयल आदि भी महंगे होंगे, जबकि गैस चूल्हा, साइकिल एसेसरीज, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, जूते चप्पल आदि सस्ते हो जाएंगे। स्वाइन फ्लू के कारण अहमदाबाद में धारा 144। स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के चलते अहमदाबाद में होने वाले सारे संगीत समारोह, पार्टियां और मैराथन रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि विवाह समारोह को इससे छूट रहेगी। गौरतलब है कि गुजरात में स्वाइन फ्लू की वजह से इस साल अब तक 219 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि मरीजों की संख्या 3500 का आंकड़ा पार कर गई है। कश्मीर में मुठभेड़, दो आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस अधीक्षक अल्ताफ खान ने बताया कि सुरक्षा बलों को शोपियां के हेप शर्मल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद यह मुठभेड़ मंगलवार को शुरू हुई थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।